अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता जितनी कमजोर होती है दमन उतना ही अधिक बढ़ता है। तो भाजपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम तोड़ फोड़ करने वालों के रहम पर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा ने कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी हर स्थिति में इस हालात को मेंटेन रखने की है कि कोई अराजकता ना फैला पाए, इशारा समझा जा सके। हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं, आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। समाजवादी पार्टी से उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। अखिलेश यादव के हाथ में एक तख्ती है, इस पर लिखा है, बढ़ते दामों ने मचाया हाहाकार, झूठे चला रहे यूपी की सरकार। अखिलेश ने दूसरे हाथ से सपा विधायक आलम बदी का हाथ थाम रखा है। आलम बदी आजमगढ़ के निजामाबाद से पार्टी के विधायक हैं। उम्र 86 साल की है, लेकिन जोश किसी से कम नहीं। लखनऊ में अपने विधायकों के साथ सरकार के खिलाफ पैदल मार्च करने निकले अखिलेश यादव को सपा मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर रोक दिया गया। बैरिकेड की वजह से सपा के विधायक आगे नहीं बढ़ पाए। अब दूसरी तरफ भारी पुलिस बल था, तो बैरिकेड के इस तरफ अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा के विधायक और समर्थक मौजूद थे। सपा के पैदल मार्च को रोके जाने से नाराज अखिलेश यहां रोड पर बैठ गए। अखिलेश के जमीन पर बैठते ही सियासत आसमान पर पहुंच गई। सपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने इसे सपा के प्रदर्शन को जबरन रोका जाना करार दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के मैं बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है? अखिलेश ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं, इसलिए वो सपा के पैदल मार्च को रोक रही है, जिससे उससे विपक्ष तीखे सवाल ना पूछ सके। क्या सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं, आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मानसून सत्र के पहले दिन सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल में जुटे थे, तो भाजपा ने आरोप लगाया कि सपा गुंडागर्दी करने की छूट चाहती है, वो अराजकता फैलाना चाहती है। इसलिए जबकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा था तो उसने सदन में सरकार से सवाल पूछने की बजाय सड़कों पर आर पार का रास्ता चुना। हम उत्तर प्रदेश की आम जनता की गाढ़ी कमाई को किसी भी स्थिति में तोड़फोड़ करने वालों के लिए नहीं छोड़ेंगे। पूरे प्रदेश की संपत्ति की, आम जनता की सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में भरोसा न रखते हुए अराजकता पर उतरती है, हमेशा उनका इसी प्रकार का कृत्य रहता है। भाजपा के इस चुभने वाले हमले पर सपा और भड़क गई। कल जब फुल फ्लेश हाउस आएगा तो बहुत प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, किसान की समस्याएं हैं, गरीब की समस्या है, उन समस्याओं को हम लोग क्रमवार नियमों के अंतर्गत विधानसभा में लाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी ने आपको अचानक लगता है बुलाया था, आप बड़ी तेजी से आए, हड़बड़ी में आए और उसके बाद अंदर चले गए, फाइलें वाइलें पन्ने गिर रहे थे सब। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और जो भी नोटिसें लगेंगी, कल नेता प्रतिपक्ष भी कई विषयों पर रखेंगे बात,
तो नियमों के जो तरीके हैं उनको पूरा करने हैं, उनसे कराने थे, इसलिए आए। सपा का आरोप है कि सत्ता जितनी कमजोर होती है दमन उतना ही ज्यादा बढ़ता है, जबकि भाजपा कह रही है कि अराजकता सपा के डीएनए में है। धरने पर इस धुआंधार संग्राम ने लखनऊ की तपिश और बढ़ा दी। सपा के हर हमले पर सरकार की तरफ से दिग्गजों ने मोर्चा संभाला। अब इसलिए गए होंगे कि साइकिल पंचर हो गई होगी तो पैदल जाना चाहते होंगे, तो इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हर आदमी की इच्छा है, और ऐसे तो उनको साइकिल की सवारी करके आनी चाहिए थी। यदि पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहते थे तो साइकिल से आना चाहिए था, तो हो सकता आज की तारीख में साइकिल पंचर हो गई हो। ये सड़क ये सदन का मामला है और सदन में आवाज़ रखनी चाहिए। सदन जनता के लिए होता है, देश के हितों के लिए होता है, और यहाँ मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए और अमर्यादित ढंग से बात सड़क पर, सदन के बाद सड़क पर करना कोई मतलब नहीं है। और सपा पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सदन में नियम 311 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगी और इस पर चर्चा की मांग करेगी। इससे सदन में भी जबरदस्त भिड़ंत के पूरे आसार हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।